भैया भाई, मैं तो शुरू से ये बात कह रही हूँ, लेकिन तुम ही नहीं मानते। अच्छा मैं करती हूँ। नहीं, 2 मिनट दो, मैं कॉल बैक करती हूँ। जोया बेटा, भैया मामू आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया मामू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो जोया? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। ठीक, बैठो। कहीं से आ रही हो? अरे जी, वो शॉपिंग पर गई थी। ये उमेर के साथ ही तो गई थी। उमेर बहुत बदल गया भैया भाई, बहुत ख्याल रखते हैं अब इसका। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जोया जाओ, जाके पैकिंग करो, अपने सामान पैक करो जल्दी। सामान पैक कर लूं? हम कहीं जा रहे? हाँ, हम घर जा रहे हैं, अपने घर। और इस बार वापस ना आने के लिए जा रहे हो। कुछ अधूरे काम रह गए थे जो इस बार पूरे करने हैं, एट एनी कॉस्ट। क्या बात है, आज का तो दिन ही बहुत अच्छा है। मैं एक काम करती हूँ, सामान पैक कर लेती हूँ और चेंज भी कर लेती हूँ, ठीक है? एक बात मुझे बताओ, ये सिलसिला कब से चल रहा है? कोई सिलसिला कहीं से नहीं चल रहा, और मुझ पे फजूल इल्जाम मत लगाओ। शट अप। अरे क्या है ड्यूअल स्टैंडर्ड्स? मैं जोया से मिली तो तू इतना इतराज होता है, और खुद जो मर्जी करती थी तुम। डैड सही कहते हैं, औरत को अगर आजादी दो ना, तो सबसे पहले वो तुम्हारा ही मुंह काला करेगी। कर तुम्हारा कोई घर होता ना इस वक्त, तुम्हें सीधे बात फेंक के आता मैं। लेकिन मेरी बदकिस्मती है, तुम्हारी अम्मी की डेथ हो चुकी है। अब सॉरी नहीं कहोगी तुम? अपनी बेइज्जती करवा के सॉरी कौन बोलता है? मैं तुम्हें कहा था साथ से नहीं मिलना, फिर भी तुम मिली उससे। तुम एटलीस्ट सॉरी तो बोल सकती थी मुझसे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी नाराजगी से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। क्या क्या देख रही हो? देख रही हूं कि मैं किस उमेर से बात कर रही हूं, उस उमेर से जिससे मैंने मोहब्बत की थी, जिससे मैंने अपनी मां के खिलाफ जाके शादी की थी, जिसकी वजह से मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, या फिर उस उमेर से जो मुझे आज यतीम होने के ताने देता है, जो अपनी बीवी को बराबरी का सुलूक रखने पर अपनी इंसल्ट समझता है, जिसका बाप उसकी मां को बेइज्जत करके उसमें झूठियां ना हासिल कर। सायरा, ये बकवास मत करो। तुम लायक ही नहीं हो कि तुम्हारी इज्जत की जाए। आज के बाद डैड के बारे में तुमने अगर गंदी जबान इस्तेमाल की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई एम सो सॉरी,
मैं उस शख्स को इज्जत नहीं दे सकती जो अपने बेटे का सौदा करता हो। आज उस इंसान की वजह से तुम ज़हनी बीमार हो। उसने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी, तुम्हारी माँ की जिंदगी तबाह कर दी, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। वो इंसान नहीं, वो शैतान है। सायरा! तुम लवारिस ना होती ना, तुम्हें धक्के दे के घर से बाहर निकाल देता मैं। मार गई है तेरी बेपरवाही, हो गया माही, क्यों हर जाई, तुम जो बदले वक्त भी बदला, बढ़ने लगी है मेरी तनहाई। उमेर ने अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं। मैं अपने लिए तो मैं कभी कुछ कर ही नहीं सकी, लेकिन तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं बात करती हूँ। जिंदगी में पहली दफा किसी ने हाथ उठाया मुझ पे। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। बोलो जोया। कुछ पिक्चर्स व्हाट्सएप किए हैं, देखो। मैं होल्ड पर ही हूं। अच्छी लगी ना? अब मैं डिलीट कर रही हूं, वरना तुम फिर से उमेर को दिखा दोगी।